मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू पारुल चंबियाल ब्लॉग्स। और हम फिर आ चुके हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। और मैंने आज फिर से पारुल का कैमरा हाईजैक करा है, जिसे पिछली बार करा था, लेकिन पिछली बार की क्लिप्स मेरी बिल्कुल ही कट हो चुकी हैं। और पारुल बीमार तो बिल्कुल नहीं है, पर उसने मुझे बोला है कि ये बोल देना ब्लॉग में कि मैं बीमार हूँ, तो आप सब मान सकते हैं कि वो बीमार है। इसलिए मैंने आज ये महान काम जिम्मा उठाया है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी, लेकिन जो पता चल नहीं रहा है कि देखना किस तरफ है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। और ये हम बस में बैठ चुके हैं और हम आधे घंटे से बस में बैठे हैं और ये बस चलने का नाम नहीं ले रही है, और तो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ओह सॉरी, आप लोगों को मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं चंबा। एक्टिंग कर रही है, सिद्ध बोल सकती थी। नहीं यार, मेरा गला खराब है। पहले तो तूने मेरे से बात करी, वो तो बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। यार ये बहुत बदतमीज़ है। देखो गाइस, मैं ऑनेस्टली पारुल का ऑनेस्टली गला खराब है। सारी दुनिया मेरे खिलाफ जो साजिश रच रही है ना ये। सो गाइस, हम जा रहे हैं डीजे की शादी। जिसको नहीं पता, जिनको नहीं पता, हम बता दे, डीजे मेरी यार मेरे को नहीं आता है। डीजे मेरी बुआ की बेटी है। आई हैव मैनी कजन्स। डीजे इज माई फेवरेट कजन। हर फादर इज अ डॉक्टर, हर मदर इज डीजे, एंड शी इज वेरी गुड इन स्टडीज। आई लव माई कजन सो मच। तो हम उसकी शादी के लिए जा रहे हैं और वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर ईगरली वेटिंग। तो मीठा अभी हम अपने होम टाउन में ही आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, और हम अभी चढ़े ही थे और हमें ड्राइवर बोलता जिसने खाना खा लो, मतलब थोड़ा ठीक ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो हम जब अब आप हमारे साथ बने रहिए पूरे रास्ते, और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ही गलत ब्लॉग बना रही हूँ, बट आई नो सो आई नो कि ऑडियंस मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज जो भी करोगे आप लोग कर लेना, कोऑपरेट कर लेना गाइस। थोड़ा दिमाग में ना वर्ड्स की कमी हो चुकी है, हाईजैक हो चुका है, क्योंकि हम सुबह पहले कहीं और गए थे किसी और बस स्टैंड में, वहाँ पे हमने बसेस का वेट किया, पर एक दो बसेस मिस हो चुकी हैं और वो बिल्कुल भी जगह नहीं थी उसमें। जब से हम चंडीगढ़ से निकले तब से सुनो, बसेस और हमारी द अनटोल्ड लव स्टोरी। बाकी आप पारुल से पूछ ले, अब उसका गला बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो आप उससे बात कर। मैंने ना मम्मा को बोला कि मेरा हमारा रिश्ता अगली स्टेशन और मम्मा बुक बनाएंगे। मैंने कहा था मम्मा बाहर खड़े रहना, मम्मा नहीं है, मम्मा है। बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, आप हमारी शक्लें देख सकते हैं, हमें तो दिख नहीं रही क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है। थोड़े हम यहाँ हैं, पकड़ एक मिनट दीदी, इसको पकड़ना दीदी, और थोड़े वहाँ हैं। अब हम फाइनली यहाँ पे इतनी सुंदर लोकेशन में पहुँच चुके हैं। लेट्स सी आगे क्या बनता है, हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। हमने डीजे को बुलाया था बट हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें कोई लेने नहीं आया, वो कह रही है खुद आ जाओ। कोई तरीका हुआ गाइज ये, चलो
अब देखिए गाइज, अभी शक्ल पारुल कह रही है तेरी शक्ल खराब आएगी, ऐसे मत पकड़, वैसे मत पकड़। अब क्या कर सकते हैं, है ना, जो शक्ल है वो तो है। और दूसरी बात ये कि इतना सारा लगेज उठाया उसके साथ कैमरा पकड़ना इज अ टास्क। सो ओके गाइज, अब हम आपको, आप बस हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट्स देते जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ओके बाय, सो एक्साइटेड। तो गाइज ये जा रहे हैं, मेरा गला है, आप देख रहे हैं। दादी जी नमस्ते। तो बस प्यारी दादी माँ, तो इतने हमने सोचा था कि डीजे को बुला ले, डीजे नीचे आ ही नहीं रही है, आई डोंट नो वो कहाँ है, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा। हम सोचे थे बोली डालेंगे, पर डीजे जितनी ठस है उतना ही ठस उसका फ़ोन है, आ ही नहीं। हम फाइनली पहुँच गए हैं शादी वाले घर एंड द ब्राइड। ओ माई गुडनेस, ये टेंट किस लिए लग रहे हैं बताइए, ये टेंट किस लिए लग रहे हैं, बेशरम शादी हो रही है। तो गाइज अभी थोड़ा सा मेरा गला ठीक हुआ है, तो सोचा मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज श्वेता ने, श्वेता की ब्लॉगिंग आपको कैसी लगी है ये प्लीज़ आप कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। तो बस हम यहाँ पहुँच के अब हम खा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर आंटी ने खाना बना दिया है तो हम खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम पहुँच गए हैं चमीनू चंबा। तो ये कुछ सनसेट का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही सुकून। आपको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, वहाँ पे है पानी इस एरिया में। तो बस हम पहुँच गए हैं अभी यहाँ पे, तो अभी आंटी ने हमें 3-4 काम असाइन कर दिए आते ही, तो वो करते हैं और आपसे मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे श्वेता को लगा रही है हमारी ब्राइड नेल पेंट। ये बड़ी ब्राइड है ना, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, ये बड़ी ब्राइड है। तो एक्चुअली मैं श्वेता की आपको एक बहुत गंदी आदत बताती हूँ, ये जिस दुकान में घुसेगी उस दुकान, अग्री करती हो दीदी की नहीं है ना, जिस दुकान में ये घुसेगी उस दुकान से ये हर बार नया नेल पेंट लेकर आएगी, उसको लगाएगी और फिर रात के जितने भी बज रहे होंगे इसको नेल पेंट लगाना है, हाँ ठीक है, और वो इसको पसंद नहीं आएगा और दोबारा मुड़ के उस नेल पेंट की शक्ल नहीं देखेगी। ऐसी है ये, इसने अब ये घर से वाइट लगा कर आई थी, इसने एकदम से देखा कि सिल्वर पड़ा है, सब मिटा के इसने सिल्वर लगा लिया। चलो बता दो अपने अपने नेल्स बता दो। बड़े लड़कों वाले हैं, तू लड़का ही है अपना, चल एक नेपाल साइड करना। दीदी आप अच्छे अपने, ओह माय गॉड, ओके ओके, थोड़ा लड़की वाला पोर्शन आ जाता है दीदी को देख के, उसको देख के नहीं, ठीक है। चल मैं भी देखती हूँ तू 4 दिन कितने का लड़की लगती है, लगेगी दी। गाइज हमें एक ऑर्डर आया है प्याज और लहसुन काटने का। तो ये ब्राइड बोल रही है कि मैं ब्राइड हूँ, जाके काम करो, इसको ये नहीं पता कि हम गेस्ट आए हैं, नहीं पता, सारी तरह गालियां देगी और देखना क्यों। ये सुन के सब मैं ठीक बोल रही हूँ क्योंकि कि मैं ब्राइड हूँ, तुम मेरे गेस्ट नहीं हो, तुम मेरे अच्छा घर पे आए हो, तुम अच्छा। काम तुम ब्राइड मेड्स हो। अच्छा प्याज लहसुन, ओए चलो प्याज लहसुन कटने, आटा भी गूंदना है, चपाती भी बनानी है। चलो ब्राइड मेड्स खड़े हो जाओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, ठीक है, श्वेता चंद्राल ब्लॉग्स। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट चीज गाइज, अगर आपको मेरी कमेंट्री अच्छी लग रही है या आपको मेरे ब्लॉग या क्लिप्स अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं भी अपना एक चैनल खोलूंगी। देखिए फ्री में प्रमोशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, घर वालों का यही फायदा होता है। सो ये है घर वाली शादी वाले घर की वाइब्स, जो कि आपको तब तक फील नहीं होता जब तक आप ऐसे ऐसे कुछ काम ना करें। सो आज के दिन के लिए जब तक कोई नहीं आया तब तक ये ड्यूटीज हमारी हैं and we are enjoying it and I hope कि हम आगे भी ऐसे मजे करें। तो बनी रहिए हमारे साथ श्वेता चंद्राल ब्लॉग्स पे। तुमने बात करने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे, ये शक्कर खा रहे हैं, सारी मिठाई रेडी कर रहे हैं, हमारी दुल्हन भी हमारे साथ सारी काम से हाय सहयोग कर रही है मरिए। चलो बस आज के लिए यही है और कल हमारी शादी का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं हम, नहीं पहले मुझे बताओ कि ये हम कर क्या रहे हैं, ये किस लिए सामान पैक कर रहे हैं, मनीष के कपड़े पैक कर रहे हैं, ये हमने कब देने हैं उनको, ये बेदी में देने हैं, बेदी में देने हैं, लाइक मतलब लगन बेदी में, लगन बेदी में। हाँ तो बस ये सब सामान क्या कहते हैं,
तो ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से है रात का व्यू यहाँ पे, और वो रहे हमारे चुन्ना मामा। और ये ना पहाड़, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ऐसे लग रहा है कि स्टार्स हैं वो। ऊपर देखो, ऊपर इतने ऊपर ऊपर तो घर है। अच्छा, डोल ये वाली पकड़नी है, ठीक है। सेकंड ट्रायल में यहाँ पे अभी मेरे पास ढोल की आती है। क्या करना है? आप लोग गाओ, मैं नहीं गाऊंगी, जस्ट आई विल मैच दिस। तो गाइस, बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद और बहुत ही ज़्यादा यादगार मेमोरीज क्रिएट करने के बाद अभी बहुत ज़्यादा और क्रिएट करनी है। बहुत मज़ा आया आज का दिन। सो कल से शादी शुरू है, असली धमाका, असली मज़े कल से शुरू है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो आज का दिन की मैं यही एंड करती हूँ इस व्लॉग को, और दिन भी एंड हो गया और हमारा भी अब एंड हो चुका है डांस कर करके। तो सोते हैं और कल शुरू करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर 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 लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी कर दें, सब्सक्राइब भी करना है। जो भी न्यू यूज़र्स आ रहे हैं मेरी चैनल पे, आपका स्वागत है। तो आपसे हम मिलते हैं शादी के डे 1 पर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय कर दो, बाय बाय।